अगर आप लोग बनारस आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट अन्नपूर्णा भोजनालय में प्रसाद खा सकते हैं आके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आपको स्वागत हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आप सभी को हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम इंडिया की सबसे पुरानी सिटी वाराणसी में और आज आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का अन्नपूर्णा भोजनालय, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकते हैं जो कि माता जी का प्रसाद है। और अभी हम मेन गेट पर देख सकते हैं काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट, और यहाँ का पता है श्री अन्नपूर्णा माता मंदिर विश्वनाथ गली वाराणसी। इधर जो टेम्पल है, इधर ही टेम्पल पड़ता है ना अंकल, और अंकल जी यहीं रहते हैं तो आपको दिखाते हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा अंदर भीड़ है, तो भोजनालय टू है, भोजनालय वन है। अच्छा, भोजनालय वन उधर भी है। अच्छा, तो ये इधर ही से जाने का रास्ता है, इधर ही से रास्ता है। अच्छा, सामने जी जी जी। तो दो भोजनालय, एक फर्स्ट, ये सेकेंड, हम लोग सेकेंड वाले पे हैं और अभी वेटिंग चल रहा है। तो जैसे खाली होता है अंदर तो हम लोग एंट्री मिल जाएगा अंदर का। बाकी अंदर भी चल के आपको दिखाएंगे और प्रसाद भी जो है टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि भाई यहाँ का प्रसाद अगर इतना सा भी मिल जाए ना अन्नपूर्णा माता का, तो समझ लीजिए कि आपको आशीर्वाद मिल गया यहाँ का। क्यों अंकल जी? तो काफ़ी लोग आते हैं, दिन भर में काफ़ी लोग आते हैं खाने। 20,000-25,000 लोग पर डे यहाँ पे खाते हैं खाना। दो भोजनालय काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। हम भी चलते हैं, हमारे साथ निशांत भाई भी हैं। निशांत भाई एक्साइटेड हैं। हाँ, 9 से 5 चलता है, वहाँ से 7 से जी। क्या टाइमिंग रहता है ये? जी 9 से 5 चलता है। अच्छा, 9 से शाम के 5 बजे तक। और वो वाला उर्दू शिफ्ट चलता है। अच्छा, 7 बजे से 7:30 बजे नाश्ता मिलता है। जी जी। अब भोजन जो है तो 11:30 बजे से लेके जी 10 बजे रात तक जी। चलिए अंकल जी, थैंक यू। तो चलिए अब धीरे धीरे सारे लोग अंदर जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। वहाँ रोड शिफ्ट चलता है जी। ओके ओके, जाइए जाइए। निशान, यहाँ जो जूता इधर साइड में निकाल देते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी। तो फाइनली तो हम लोग अन्नपूर्णा भोजनालय से खाना खा के निकल चुके हैं अंदर। परमिशन नहीं था वीडियो बनाने का, पर फिर भी हमने थोड़ा बहुत आपको दिखाया खाना वगैरह। और खाना एकदम जो है ना, एकदम शुद्ध था। पापड़ था, चावल था, दाल था, और आलू का भुजिया था, और एक बैगन आलू का सब्जी था, और एक था जो कहते हैं मोतीचूर का लड्डू। और उसको खाने के बाद, पूरा खाना कंप्लीट करने के बाद, लास्ट में मिला हमें मीठा दही, तो भी हमने खाया। बाकी अगर आप लोग बनारस आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट अन्नपूर्णा भोजनालय में प्रसाद खा सकते हैं आके। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था खाने का भाई, मस्त मज़ा आ गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट। ये छोटा सा ही ब्लॉग था आप लोग के लिए, बस थोड़ी सी जानकारी देने के लिए कि अगर आप लोग बनारस आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं अन्नपूर्णा भोजनालय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।